मजीद छोड़ने के जो नुकसानात हैं उन नुकसानात के अंदर कई नुकसानात हैं। मैं तरतीब से एक पांच बातें आप भाइयों के हवाले रखना चाहता हूं। पहली चीज, कुरान मजीद जिस दिन हमने छोड़ दिया वहां से हमारी पस्ती, हमारी नाकामी, हमारी जिल्लत शुरू हो गई। पहली बात दिमाग में रख लें, अगर दोबारा इज्जत हम चाहते हैं, सुकून, बरकत सब चीजें हैं अपनी अपनी जगह पे, अल्लाह सब देगा, लेकिन एक मजमूई तौर पर, इज्तिमाई तौर पर, कुल्ली तौर पर अगर पूरी कौम को ऊपर आना है इंशाल्लाह। और याद रखें, सचर कमेटी की रिपोर्ट मुसलमान धेड़ों से या ओबीएससी से 15 साल पीछे है। ये रिपोर्ट जनाब मनमोहन सिंह के दौर में आई थी, उसके बाद कई तकरीरें, कई इज्तिमात, मुसलमानों को तालीम में आगे बढ़ाया जाए, बहुत आगे हैं मुसलमान, तालीम पढ़ रहे हैं, लेकिन हां इतना जरूर है एसएसएससी में फेल होके बाहर आ जाते हैं, यह है मुसलमानों की हालत, प्लस टू में फेल होके पीछे चले आते हैं, लेकिन झोपड़ी वाला भी अच्छी से अच्छी स्कूल में पढ़ाने की आज कोशिश कर रहा है। मैंने बहुत कम घरों में देखा है जहां तालीम नहीं चल रही है, तालीम तो चल रही है। जरूरत है इस तालीम के साथ कुरान की तालीम मिलने की जरूरत है, इस तालीम के साथ अल्लाह और उसके रसूल की तालीम ये मिलाने की जरूरत है। ये दोनों मिलेंगे तो एक इंसान इंसान बनेगा, वरना उसमें और जानवर में कोई फर्क नहीं रहेगा, कोई फर्क नहीं रहेगा मेरे भाई। सुन लीजिए, इज्जत चाहते हैं कुरान मजीद इंशाल्लाह हम शुरू करें, पढ़ें। कैसा पढ़ना है कुरान ये पूछकर ही बोलूंगा मैं, कैसा भी पढ़ना कुरान मजीद, कैसा पढ़ना है कुरान मजीद। हजरत एक सवाल है, फोन मुझे आता है, क्या भाई मैंने 4 कुरान पढ़ लिए हैं, हमारे अब्बा को मैं बख्शना चाहती हूं, कैसे बख्शूं। हमारे औरतें पूछती हैं, भाई जिस मोहल्ले में हम रहते हैं अनपढ़ औरतें भी हैं, पढ़ी लिखी औरतें भी हैं, सब हैं, जी हां, कैसे कुरान पढ़ना है। चलिए अभी आगे सुनिए, इसलिए मैंने पूछा था कि तुम्हारा दिमाग मेरे तरफ हो जाए। इब्ने अब्बास कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने उसूल तफसीर नाम की एक किताब लिखी है, उसमें शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह ने यह लफ्ज जिक्र किया है, सहाबा किराम कुरान कैसे पढ़ते थे। हमारा कुरान वैसे ही होना चाहिए इंशाल्लाह ताला, तभी फायदा होगा। हमने 4 खत्म कर लिए, हमने 5 खत्म कर लिए, हाँ 7 दौरे हो गए, क्या जी जी बच्चा कुरान पढ़ा क्या भाई, पढ़ लिया, 7 दौरे हो गए हजरत, उसके वास्ते हमें एक दावत भी रख डाले। 7 दौरे हुए थे भी 7 आयतें ढंग से नहीं पढ़ सकता हो, ये भी हमने देखा है। कैसे कुरान पढ़ना है सुनो, अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा कहते हैं हम सिर्फ 10 आयतें ही पढ़ते थे, जब तक वो 10 आयतें अच्छे से समझ नहीं लेते हम आगे नहीं बढ़ते थे। जी सूरह बकरा पढ़ने के लिए इब्ने अब्बास अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा को 7 साल लगे हैं, कितना, सूरह बकरा पढ़ने के लिए इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा को 7 साल लगे हैं। कुरान तदब्बुर वाली किताब है, समझ के पढ़ने वाली किताब है, यह तोते की तरह रट्टा मारने वाली किताब नहीं है भाई। वैसा पढ़ेंगे तो जिंदगी खैर बरकत, वैसा पढ़ेंगे तो तब्दीली आएगी, ऐसे ही सर 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 या लमुन तालमुन वाली अगर हम चलाएंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, पहली बात है। दूसरी बात, जिंदगी में बड़ी बेचैनी है, सबको है, अंग्रेजी में एक लफ्ज कहते हैं फ्रस्ट्रेशन, बराबर, क्या भाई अंग्रेजी बोलने वाले लोग, बराबर जी, फ्रस्ट्रेशन, जिसमें खुद आदमी अपने आप को जान से भी मार लेता है। जी हाँ, सबसे ज्यादा खुदकुशी पढ़े लिखे बच्चों में है आज, बाकायदा बोलते हैं सुसाइड, और वो भी क्या है, मिलकर सुसाइड करना, एक साथ मरना, एक आदमी नेट पे बैठ के कहता है मैं फलां दिन फलां तारीख को मरने वाला हूं, दूसरा नौजवान मिल जाता मैं भी मर जाऊंगा, तीसरा भी, जी हाँ मिलके, जापान में सबसे ज्यादा, ये ऐसी बात नहीं बोल रहा हूं, जो हो रहा है, जो चल रहा है, सुसाइड सबसे ज्यादा। जी हाँ, एक कंपनी है चाइना के अंदर, उसका सर्वे ये बताता है हर 3 महीने में एक बार उसका एक इंजीनियर सुसाइड करता है, कम से कम एक इंजीनियर। वर्क इतना ज्यादा, प्रेशर, फ्रस्ट्रेशन, जिंदगी में चैन और सुकून नहीं, हर आदमी परेशान। ये हफ्ता और इतवार के दिन तकरीबन लोग अपने अपने कार लेकर, बच्चों को लेकर बाहर जाते हैं दिमाग को फ्री करने के लिए, चैन और सुकून के लिए। अल्लाह फरमाता है सुभान अल्लाह,
चैन सुकून इत्मीनान कल्ब अगर दुनिया में किसी चीज में है, अला बिज़िक्रिल्लाही तत्मइन्नुल कुलूब, अगर किसी चीज में पीस ऑफ माइंड है तो अल्लाह की किताब कुरान मजीद में है। सारी दुनिया फिर लीजिए, आपको सुकून नहीं मिलेगा, जो चार आयतों में आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। बैठ के गौर से पढ़िएगा, अकेले में बैठ के इंशाल्लाह सुकून मिलेगा। घर में सुकून चाहते हैं, जिंदगी में सुकून चाहते हैं, कुरान की तिलावत करें। तीसरी बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल रोज़े क़यामत उन लोगों के खिलाफ अल्लाह के दरबार में खड़े होकर उन लोगों के खिलाफ, उर्दू में, अच्छी उर्दू में कहते हैं, इस्तिगासा पेश करेंगे। आप नहीं समझेंगे ना, लफ्ज समझ में नहीं आया, लफ्ज नहीं आया भाई, नहीं आया मुझे मालूम है, हमारी इस मजलिस में समझ में नहीं आया है। इस्तिगासा पेश करेंगे का मतलब यह है, कोर्ट में जैसे केस डालते हैं किसी के खिलाफ, अल्लाह के नबी उन लोगों के खिलाफ अल्लाह के दरबार में केस करेंगे। अब समझ में आया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ, वो लोग कौन है जिनके खिलाफ नबी केस करेंगे? क़यामत में अगर नबी केस कर दें तो फिर कौन है भाई जी, कौन है? अल्लाह के नबी, कुरान मजीद की आयत करीमा है, वकाल रसूल या रब्बी इन क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआना महजूरा। नबी फरमाते हैं, अल्लाह इस कौम ने कुरान को पीठ के पीछे डाल दिया था। अगर आप इस इस्तिगासे से बचना चाहते हैं, पीठ के पीछे मत डालिए, पसे पुश्त ना डालिए, कुरान को पढ़ने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, इस इस्तिगासे से हम बच जाएंगे। चौथी बात, बस इसी के साथ, दो बातों के साथ खत्म कर लेता हूं मैं। कुरान खिलाफ हो जाएगा इंसान के खिलाफ, अल्लाह अकबर, इंसान के खिलाफ कुरान हो जाएगा, एक दुआ है जो अल्लाह के नबी ने फरमाई, सिखाई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा जालिल कुरान हुज्जतन लना ला हुज्जतन अलैना, अगर नहीं पढ़ोगे, अमल नहीं करोगे, अल्लाह अकबर, ये कुरान हमारे खिलाफ अल्लाह के पास गवाही देगा, इसलिए इसको पढ़ने की कोशिश करो। आखिरी बात, नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान पढ़ने वाले लोग तीन तरह के हैं। कुरान पढ़ने वाले लोग तीन तरह के हैं, कान खोल के गौर से सुन लीजिएगा। एक मोमिन, एक मुनाफिक और एक फाजिर, नबी ने नाम लेकर कहा। मोमिन कुरान पढ़ता है समझने के लिए और अमल करने के लिए, अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह हमें इस तबके में लेकर आए। जी हाँ, मुनाफिक इसलिए कुरान पढ़ता है ताकि उसके अंदर की गलतियां निकाले और कुरान को बदनाम करे, ये कभी नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। हाँ, ये जो तीसरा है, मैं माजिरत के साथ एहतरामन मुसलमानों से कहूंगा, फाजिर सिर्फ पैसे के लिए कुरान पढ़ता है, ये नबी ने कहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिर्फ कमाने के लिए, सिर्फ कमाने के लिए। इस मौके पर मैं आजीजी से दरख्वास्त करता हूँ हमारे उन भाइयों से जो रुकिये का काम करते हैं, अल्लाह आप में और तासीर अता फरमाए, अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाए। मालदार का फ़ोन बड़े अच्छे से आप उठा लेते हैं और गरीब का फ़ोन नॉट रिचेबल में डाल देते हैं आप लोग, कुछ लोग, सारे नहीं। मालदार का फोन आगे बढ़कर उठा लेते हैं आप लोग, गरीब, इस आज का वाकिया, कल का वाकिया, परसों का वाकिया, गरीब का फोन कुछ मिलने वाला नहीं है, वहां कुछ पैसा वैसा मिलेगा नहीं, कुछ डिमांड हम कर नहीं सकते हैं, गरीब के फोन को तुम नॉट रिचेबल में डाल देते हो। अल्लाह के लिए ऐसा मत करो। अल्लाह ने अगर आपको ये इल्म दिया है, आप सबको फायदा पहुंचाओ, अल्लाह से दुआ है, अल्लाह कहने से ज्यादा, सुनने से ज्यादा अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमें सही मानों में कुरान को समझने की तौफीक अता फरमाए, उसके मुताबिक अल्लाह जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व सल्लल्लाहु अलैहि नबी करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।